चंडीगढ़। देश में कोविड 19 के मामलों में अचानक वृद्धि के बीच हरियाणा सरकार ने सोमवार को राज्य में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। बेंगलुरु की अपराध शाखा ने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए हीलियम क्रिप्टो टोकन HNT चलाने में कथित संलिप्तता के आरोप में सोमवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया। त्रिपुरा राज्य में फैला अफ्रीकन स्वाइन फीवर, सरकार ने बड़े पैमाने पर सुअरों को मारने के दिए आदेश। कल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने वाहनों में लगाई आग, 8 नक्सली गिरफ्तार। असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने खुद ये कहा है कि जहांगीरपुरी में जो जुलूस निकाला गया वो बिना इजाजत के निकाला गया। जब जुलूस निकाला जा रहा था तब पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस तमाशा देखने के लिए बैठी थी और जुलूस में हथियारों की क्या जरूरत थी? AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ये कह चुके हैं मीडिया को कि जो RN प्रोसेशन निकाला गया जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में है, वो बगैर परमिशन के निकाला गया। परमिशन पूछा ही नहीं उन्होंने। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है जब बगैर पुलिस परमिशन के इस तरह का यात्रा निकालते हैं और उसमें हथियार होते हैं, तलवारें होती हैं, पिस्टल होता है, कंट्री मेड पिस्टल होते हैं, पिस्टल होता है, तो फिर ये पुलिस क्या खामोश तमाशे बनकर बैठी थी कि पुलिस गूंगी हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस कि कैसे आपने निकाल दिया बगैर परमिशन के आपके, और उसमें हथियार की क्या जरूरत है? जब आप रिलीजियस प्रोसेशन निकाल, हथियार क्यों रखते उसमें आप? और फिर हथियार रखते साथ में सब प्रोवोकेटिव नारे लगाते आप क्यों? और तीसरी बात, आपने उस मस्जिद के सामने जाकर झंडा लगाने की कोशिश क्यों की? वहां पर झंडा क्यों लगाया? बल्कि आपने वहां पर उससे पहले बगैर पुलिस परमिशन के 2 प्रोसेशन चले गए थे। ये तीसरा था जो 5:30 बजे का वाकया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कल भोपाल, मध्य प्रदेश में कहा कि जहां भी अतिक्रमण हो वहां बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाए। सार्वजनिक संपत्ति पर जब भी अतिक्रमण हो उसे हटाना जरूरी है। कि बुलडोजर जस्टिस एनक्रोचमेंट जस्टिस होना चाहिए या बुलडोजर जस्टिस? जहां पे एनक्रोचमेंट है वहां बुलडोजर चलना ही चाहिए, और वो कोई भी हो। बुलडोजर का क्या मतलब है कि जो कॉमन लोगों की धरोहर है, वो किसी व्यक्ति के माई बाप की जमीन नहीं है जी, वो समाज की जमीन है, समाज की धरती है, समाज के काम की चीज है। सरकार भी तो लोगों की है। अभी आप सुनिए मेरी बात। जब जो चीज पर एनक्रोचमेंट है, सामाजिक धरोहर के ऊपर अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को हटाना भी उसका हिस्सा है, तो जो 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 नियम अनुसार होता है वो ठीक ही है। उत्तर प्रदेश में यह बताना चाहूंगी कि मुस्लिम समुदाय को छेड़ने की कोशिश न की जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम महिलाएं मोर्चा संभालेंगी और तुम्हारे मंदिरों के आगे बैठकर अपने कुरान का पाठ करेंगी। रूबीना खानम। देश में हिंसा की घटनाओं पर नीतीश कुमार ने कहा, पूजा करने वाले झगड़ा नहीं करते। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार को सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश कर रहे नेताओं की रैलियों पर रोक लगानी चाहिए। बेंगलुरु ठेकेदार खुदकुशी मामले में पूर्व मंत्री KS ईश्वरप्पा पर लगे गंभीर आरोपों के बाद कर्नाटक सरकार फिर निशाने पर है। एक लिंगायत धर्मगुरु ने राज्य की बसवराज बोम्मई सरकार पर मठों के कल्याण और विकास के लिए निर्धारित अनुदान में से 30% कमीशन लेने का आरोप लगाया है। लखीमपुर मामला, आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, न्यायिक व्यवस्था में आस्था बहाल हुई। आजम खान से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट से राहत, HC के फैसले पर लगी रोक।